बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और बैंड से मैं उठ रहा हूँ, वीडियो आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि समय हो चुका है सुपर फाइव का, यानी आज की पांच बड़ी खबरों का। दिन भर क्या कुछ हुआ, किसने क्या किसको कह दिया, इन तमाम चीजों पर हम सोचने और विचारने का विषय शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि आज दिन भर पांच क्या बड़ी खबरें रही उन पर, और कल क्या होने वाला उन पर भी, यानी कुल मिलाकर पांच वो बड़ी खबरें जो महत्वपूर्ण होती है, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुनिया भर की राजनीति हो चाहे अत्याचार की घटना हो, आज की पहली घटना की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज झारखंड दौरे पर थी और उन्होंने आज झारखंड के अंदर दो रैलियों को संबोधित किया। दूसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ के गांव बेरुपुरा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान दिवस की देर रात मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। तीसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे उठापटक के बीच अब समाप्त होता नजर आ रहा है और उद्धव ठाकरे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चौथी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर इस समय काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है और घमासान मचने की वजह है प्रभारी, यानी कि जो निष्कासित नेता है, लोग हैं, उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो जोनल कोऑर्डिनेटर या प्रभारी लगाए जाते हैं उनके खिलाफ गुस्सा खुलेआम अब दिखाई पड़ रहा है। पांचवी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आज बहुजन समाज ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को याद किया। तो ये आज के पास बड़ी घटनाएं थी जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार में। पहली बड़ी घटना की रुख करते हैं। आपको बता दें बीएसपी सुप्रीमो मायावती कई दिनों बाद आज झारखंड दौरे पर रहे। झारखंड के अंदर इस समय आपको बता दें विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के पहले चरण के मतदान 30 नवंबर को है। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज दो रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली उनकी हुसैनाबाद में थी और दूसरी रैली उनकी भावनाथपुर में थी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती जिस समय हुसैनाबाद पहुंची उस समय हुसैनाबाद के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी शेर अली खान के साथ अन्य आसपास के विधानसभाओं के प्रत्याशी भी मौजूद रहे और भारी जनसमूह को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यहां से इस बार अच्छी सीटें जीतने का उम्मीद जताया। दूसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश का बड़ा राज्य माना जाता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सांसद है, उस आजमगढ़ के गांव बेरुपला कला के अंदर संविधान दिवस 26 नवंबर की देर रात को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने दुर्गेश यादव नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कल दुनिया जहां याद कर रही थी संविधान दिवस के दिन, वहीं भारत के अंदर उनकी मूर्ति तोड़ने का ये गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने लोगों से समझाइश करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी बड़ी घटना की रुख करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच अब पूरी तरीके से ये नतीजा साफ आ रहा है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी और शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे होंगे। उद्धव ठाकरे कल शपथ ले सकते हैं शिवाजी पार्क, जो कि मुंबई का बड़ा, महाराष्ट्र का बड़ा पार्क है शिवाजी पार्क, उसके अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चौथी बड़ी घटना की रुख करते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर वैसे तो कई दिनों से घमासान जारी है, लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के द्वारा निर्देश अनुसार कई सारे नेताओं को, बड़े बड़े नेता जिनमें मंत्री, एमएलए और एमएलसी, सांसद तक रह चुके नेताओं को पार्टी से बाहर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन नेताओं ने अब पार्टी की सुप्रीमो मायावती की बजाय जो प्रभारी है, कोऑर्डिनेटर है, जोनल कोऑर्डिनेटर है, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि इन लोगों ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को गुमराह किया है और मायावती जी से हम लोगों को मिलने ही नहीं दिया जाता, न ही हमारी बात करवाई जाती है, बल्कि सीधा ही निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों की बात करें तो करीब 40 लोगों को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाला जा चुका है या फिर निकल चुके हैं। पांचवी बड़ी घटना की रुख करते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर आज बहुजन समाज ने, साथ ही देश ने पूर्व प्रधानमंत्री विश्व प्रताप नाथ सिंह को याद किया। आपको बता दें कि वीपी सिंह की आज बरसी थी और बरसी के दौरान उनको याद किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर छुट्टी करने जैसे कई अहम मामलों के लिए वीपी सिंह को याद किया जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही इस प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं सब्सक्राइब बटन, वहां पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले।